कहे बल बुद्धि दायक है प्रभु गढ़ नायक बनाते सब काज है। छप्पन विनायक है बल बुद्धि दायक है प्रभु गढ़ नायक बनाते सब काज है। आस आदि भूत लाख संगार व छत्रपाल काल व बटुक रूप भैरव विराज है। और 64 योगनिया करती है जहाँ निवास पूजन विधि कमानो दिव्य साज बाज है। और विश्वनाथ नगरी में शिव जी के संग संग अर्ध नारीश्वर रूप किन्नर समाज है। विश्वनाथ नगरी में शिव जी के संग संग अर्ध नारीश्वर रूप किन्नर समाज है। और सुनिएगा काशी में क्या मिलता है कि बाबा का द्वार मिले, गंगा जी किनार मिले, चारों ओर तीर्थ के द्वार मिले काशी में। बाबा का द्वार मिले, गंगा जी किनार मिले, चारों ओर तीर्थ के द्वार मिले काशी में। और तुलसी के धाम मिले, प्रभु आटो याम मिले, साहित्य संगीत भर मार मिले काशी में। और साधु जी महान मिले, मगही के पान मिले, मोक्ष के ही द्वार हर बार मिले काशी में। और भांग बूटी गांजा संग लगाई के भस्म अंग, कण कण भोले अवतार मिले। आइए अब क्यों बोला जाता है मैं आपको बताता हूँ। औकात क्या करिए, औकात पे तो मैं 24 साल पहले आ गया था, बोलने का मौका अब मिला है। रोज रोज टूट जाता दिल हमारा क्या करें, रोज रोज टूट जाता दिल हमारा क्या करें, लेना पड़ता है मुझे कोई सहारा क्या करें। रोज रोज टूट जाता दिल हमारा क्या करें, लेना पड़ता है मुझे कोई सहारा क्या करें। आप कहते प्यार पहली बार में ही कीजिए, हमसे पहला ही नहीं होता दोबारा क्या करें। हाँ थोड़ा खाया पिया करो भाई, होगा कहीं प्रयास करो तो सब होगा। बाबा कहते हैं नाम तो करने से होता है। पहली बार में जब हमारे गुरु जी से ही नहीं हुआ, इसीलिए दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं। किस्मत बुलंद थी मेरी, किस्मत बुलंद है। किस्मत बुलंद थी मेरी, अनिल चचक आ गए। हाँ आ रहे हैं, वो जरूरी काम निपटा रहे हैं, बाद में हम भी निपटाएंगे। मैंने तो पेशाब नहीं कर रहा कोई क्या कहीं के पड़ी का। किस्मत बुलंद थी मेरी, किस्मत बुलंद है, ओठों पे हंसी इसलिए भी मंद मंद है। किस्मत बुलंद थी मेरी, किस्मत बुलंद है, ओठों पे हंसी इसलिए भी मंद मंद है। शादी के लिए जो मुझे लड़की पसंद थी, पापा को मेरे अब उसी की माँ पसंद। बहुत नहीं, चलिए माँ पसंद आई, लड़कियाँ नहीं पसंद आई गली में, नहीं तो बड़ा दिक्कत होता, एक मियान में दो तलवार कैसे रहे। हाँ कभी कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, बिल्कुल कोने कोने तक जाते हैं, कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ना कोने कोने तक जाते हैं, अब किस कोने में जाते ही नहीं पता, कोने कोने तक जाते हैं कभी लोग। पानी के प्रेशर से बम्बा हुआ हूँ मैं, ट्यूबवेल के प्रेशर से बम्बा हुआ हूँ मैं, बोतल को पूरे पीकर खंबा हुआ हूँ मैं। तुम तो लटक लटक के खजूर हो गए, लड़की के पीछे भाग कर लंबा हुआ हूँ। बातचीत हुई, मैं आप सभी के बीच सुनाता हूँ। आज होली का पावन पर्व है और आज के दिन यदि गजेड़ियों को नहीं याद किया तो उनका बड़ा अपमान होगा, इसीलिए सुनिएगा एक नेता और एक गजेड़ी के बीच में क्या बातचीत हुई, मैं आप सभी के बीच में रखता हूँ। एक बार एक गजेड़ी नेता के सामने अड़ गया। 2024 के चुनाव को मद्देनजर रख के ये कविता सुनिएगा। कि एक बार एक गजेड़ी एक नेता के सामने अड़ गया, नेता चिढ़ गया, नेता ने बोला हटो यहाँ से फुटो, देश में चुनाव है मुझे भाषण के लिए जाना है, अपनी रूठी हुई जनता का विश्वास मुझे फिर से पाना है। तो गजेड़ी कहता है नेताजी मुझे पता है देश में आया चुनाव है, आपके भाषण से जनता में बहुत तनाव है, आपके झूठे वादे जनता को 5 साल तक रुलाएंगे, एक ये मेरे गाजे का कष्ट है जिसे पीकर हम अपने गमों को भुलाएंगे। तो नेताजी कहते हुए गजेड़ी सुन तू मुझे चुनाव में जितवा दे
ओए गजेड़ी सुन, तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा। तू रोज गाजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। यदि गजेड़ी का बात आप जवाब आप तक पहुंच जाए तो बताइएगा। ओए गजेड़ी सुन, तू मुझे चुनाव में जितवा दे, मैं तेरे लिए गाजे की खेती करवाऊंगा। तू रोज गाजा पीना, मैं तुझे रोज पिलाऊंगा। तो गजेड़ी कहता है, नेताजी मुझे जब गाजा पीना होगा मैं पी लूंगा, हो सके तो इसके बिना भी जी लूंगा, लेकिन मैं आपको जिता के हरगिज ये मौका दे नहीं सकता। मैं भारत का गजेड़ी हूँ, अपने देश को धोखा की जो रात है, कोई भी न साथ है, मन में उमंग है, पीने का भी ढंग है, आज छोड़ेंगे नहीं चाहे जो भी बात हो, हम पियेंगे यही भले सारी रात हो। बोतलें खत्म हुई, दारू भी हजम हुई, घर को निकल पड़े, सीधे पैर चल पड़े, प्रेम की चाह में मुझको उसी राह में है, जहाँ कोई नहीं मुझको मिल गई वही। नयन से नयन मिले, पुष्प रात में खिले, होश मेरा उड़ गया, तार तार जुड़ गया, हम चढ़े थे ताड़ पर, प्रेम के पहाड़ पर, उसने आँख मार दी, नशा मेरा उतार दी। होश में थे हम खड़े, दिल के पेश थे लड़े, बात आगे बढ़ गई, आंखों में वो चढ़ गई, बात कुछ नहीं हुई, बस इशारा हो गया, उसके साथ में लगा कि दिल आवारा हो गया, सर रख के कंधे पर, हाय थोड़ा लेट के, दिल हमारा खो गया था पास उसके बैठ के, फिर समय को जानने को देखता मैं जो घड़ी, उसने बोला जान मेरी इस घड़ी की क्या पड़ी, वो घड़ी उतार दी, बटुए को भी झाड़ दी, सारा माल लेकर जाने वो कहां को खो गई, एक पौवे की जरूरत मुझको फिर से हो गई। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जरूरत हो रही है। एक अंतिम कविता। हाँ हाँ स्वागत। क्यों भड़कावी नारे से वो हमको यूं बहकाती है, कश्मीरी झीलों की उसकी आंखें भी बह जाती हैं, गर्मा हट में रेगिस्तानी शिमला सी पुरवाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। क्यों भड़कावी नारे से वो हमको यूं बहकाती है, कश्मीरी झीलों की उसकी आंखें भी बह जाती हैं, गर्मा हट में रेगिस्तानी शिमला सी पुरवाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई में। घबरा गई मोहब्बत से वो, भाग गई है झटके में, सारा मदिरा गिरा दिया है भरा जो मैंने मटके में, पहले नैन मटकता करके मैंने आंखें चार किया, हाथ पकड़ चुम्बन लिया और फिर इजहार किया, सुनो चंद्रमुखी की चंचल चितवन यवन लिए दिए, भाग्य हमारे जाग गए हैं जो तुमसे हम प्यार किए, फिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतिया बिंद हुआ। हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतिया बिंद हुआ, खुजली जैसी मची हुई है उसने मुझको जहां छुआ। वाह भाई वाह। हिरनी जैसी आंखें उसकी जिसमें मोतिया बिंद हुआ, खुजली जैसी मची हुई है उसने मुझको जहां छुआ, करती रहती मनमानी वो दिन रात तन्हाई में, मैंने बोला जाने मन से चलो साथ रजाई। वाह भाई वाह।